सो हेलो एवरीवन, तो आज आ गया फिर से एक नया वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर मोशन, और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में क्या पढ़े थे पहले उसको बात कर लेते हैं एक बार, फिर वहाँ से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे ग्राफ के बारे में, कि ग्राफ के हेल्प से कैसे हम लोग स्पीड निकालते हैं, कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं, कैसे डिस्टेंस ट्रैवल निकालते हैं, और स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। दोनों को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से ग्राफ देखे थे, और एक उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किए थे कि उसके लिए अलग वीडियो बनाए थे, ठीक है ना। आई होप आप लोग वो सब वीडियो देख कर यहाँ पर आए होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि ग्राफ के हेल्प से इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, हम लोग तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसको हम लोग पिछले बार किस तरीके से प्रूफ किए थे, अल्जेब्रिक मेथड से, ठीक है ना। तो इस बार हम लोग ग्राफ के हेल्प से वही इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं, कि ग्राफ के हेल्प से वो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएगा। बात समझ में आएगा क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है ना, और वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ के हेल्प से वो तीन इक्वेशन ऑफ जो मोशन है उसको हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले ग्राफ को समझ लीजिए, ग्राफ बोलता क्या है, ठीक है ना। नॉर्मली हमको दिख रहा है ये इधर, ये वाला जो एक्सिस है ये मेरा वेलोसिटी का है, और ये वाला एक्सिस किसका है, टाइम का है। तो ग्राफ किसका होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। हम आपको पहले ही बता चुके हैं ग्राफ में स्पीड और वेलोसिटी को एक ही सेंस में ट्रीट करना, दोनों मेरा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि कोई बॉडी मेरा ए पर इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मेरा यू है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ से मेरा यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हुआ है, तो कहाँ तक गया है, बी तक गया है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी जो हम लोग बी तक पहुंचा है उसको हम लोग मान लिए वी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने में उसको मान लेते हैं कि टाइम मेरा टी लगा है। समझिए क्या बोले, इनिशियल वेलोसिटी मेरा इस पॉइंट पे था, यानी कि ओए मेरा इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग यू मान लिए हैं, और यहाँ से यहाँ तक जाने में यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हुआ है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी बी तक पहुँचने में कितना हुआ है, वी हुआ है। फाइनल वेलोसिटी कितना है, वी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू। अब देखिए, यहाँ से यहाँ यूनिफॉर्म रेट के साथ चेंज हुआ है वेलोसिटी, तो ऐसा ग्राफ को क्या बोलते हैं, स्पीड सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ग्राफ मेरा क्या होगा, ये लाइन मेरा क्या होगा, एक्सीलरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो मेरा एक्सीलरेशन होगा उसको हम लोग मान लेते हैं ए। बात समझ में आया, ये मेरा हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो एक्सीलरेशन होगा वो मेरा एक्सीलरेशन को मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट से ए से लेके बी तक जाने में मान लेते हैं कि टाइम मेरा टी लगा है। समझ में आया ग्राफ में क्या क्या है, ओ ए मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, सी बी मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ए से लेके बी तक जो एक्सेलरेशन हुआ है उस एक्सेलरेशन को मान लेते हैं ए, और ओ से लेके सी तक जो मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक यानी कि बी तक जाने में टाइम जो लगा है उसको मान लेते हैं टी। बात समझ में आया, लिख लेते हैं एक बार, ओ ए मेरा क्या है, यू है, बी सी मेरा क्या है, वी है, और ए से लेके बी तक जो एक्सेलरेशन हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं ए, यानी कि ए से लेके बी तक जो एक्सेलरेशन है उसको मान लेते हैं ए, और ओ सी मेरा क्या है, टाइम है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जैसे कि अभी लिखे हैं, ओ ए मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, बी सी मेरा क्या है, देखिए बस ग्राफ को देखिए बहुत ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। बी सी मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। बात समझ में आ गया। अब देखिए बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा बी से लेके सी तक इसको हम लोग लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, ये बी सी जो है इसको हम लोग तोड़ तोड़ के लिखे हैं, बी डी प्लस डी सी, क्या किया इसको तोड़ तोड़ के लिखे, तो बी डी प्लस डी सी लिखे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब देखिए, ये जो मेरा डी सी है और ये जो मेरा ओ ए है दोनों इक्वल होगा, डेफिनेटली इक्वल होगा, क्योंकि ये देखिए ये इसके पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। तो ओ ए और डी सी मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ओ ए तो हम लोग सी डी की जगह लिख सकते हैं ओ ए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए बी सी मेरा क्या है, वी है, तो यहाँ पे वी लिखते हैं, बी डी को बी डी एज इट इज लिख देते हैं, और डी सी की जगह क्या लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे। किसी को यहाँ तक दिक्कत, सी डी मेरा किसके इक्वल होगा, ओ ए के इक्वल, देख रहे ये और ये लेंथ मेरा इक्वल है, तो सी डी की जगह ओ ए लिख दिया, ठीक है।
अब देखिए वी इक्वल टू क्या होगा, वी डी प्लस ओए को क्या माने है यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ये हो गया मेरा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हुआ है, एक्सीलरेशन हुआ है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या माने ए, तो एक्सीलरेशन मेरा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यही होता है। अब देखिए ए इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या था, ओ ए था, इनिशियल वेलोसिटी मेरा यही ना था, इस पॉइंट पे मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या है, बी सी है, समझिएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ओ ए, फाइनल वेलोसिटी क्या है, बी सी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बी सी है और इनिशियल वेलोसिटी मेरा ओ ए है। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है, टी लगा है, देख रहे हैं ओ सी इक्वल टू क्या है, टी, तो बाई ओ सी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ए इक्वल टू, अब देखिए बी सी माइनस ओ ए है और ओ ए इक्वल टू क्या है मेरा, सी डी है, बात समझ में आया, बी सी माइनस ओ ए, तो ओ ए इक्वल टू क्या है मेरा, सी डी, तो ओ ए की जगह हम लोग सी डी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बी सी माइनस सी डी बाई ओ सी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा, ए इक्वल टू, अब देखिए ये बी सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बी सी, बी सी माइनस सी डी करेंगे, मतलब बी सी में से इसको काट के निकाल लेंगे तो बचेगा क्या मेरा, सिर्फ बी डी बचेगा, तो क्या लिखेंगे, बी डी बाई ओ सी। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, बी डी को बी डी एच डी छोड़ देते हैं, ठीक है, बी डी का वैल्यू कुछ नहीं है, ओ सी का वैल्यू क्या है मेरा, टी, तो बाई टी लिख देंगे, तो यहाँ से बी डी इक्वल टू क्या आ गया, ए टी, समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस बी डी इक्वल टू क्या हो गया, ए टी हो गया। अब यही बी डी को हम लोग इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन वन यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू बी डी जगह क्या है, ए टी, ए टी प्लस यू, अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या जाएगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही ना था मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आ गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफ, यानी कि ग्राफ के हेल्प से ऐसे इसका आएगा, ऐसे डिराइव होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसको आप लोग अब नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग डिराइव करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरा क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको हम लोग ग्राफ के हेल्प से कैसे डिराइव करेंगे उसको जरा देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ में, कि जो भी ग्राफ के बीच में जो एरिया इंक्लोज होता है वो एरिया किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल होता है स्पीड टाइम ग्राफ में सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया बन रहा है ओ ए बी सी, यानी कि जो फिगर बन रहा है, फिगर ओ ए बी सी, इसका टोटल एरिया निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ट्रैवल के इक्वल होगा। अब देखिए ये एरिया जो फिगर जो बन रहा है, कौन सा फिगर का नाम क्या है, ट्रेपीजियम, ओ ए बी सी मेरा क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, तो इसका एरिया चाहे तो हम लोग डायरेक्टली ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग दो फिगर बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है, ओ ए डी सी मेरा क्या है, रेक्टेंगल है, और ट्रायंगल ए डी सी, ए डी बी मेरा क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, तो दोनों का एरिया को निकाल कर ऐड करेंगे तो भी टोटल एरिया निकल जाएगा, या फिर डायरेक्टली हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ये इक्वेशन को डिराइव करना है, तो ये इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोग अलग अलग फिगर का एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये मेरा इक्वेशन डिराइव हो जाएगा, कैसे इसको देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालते हैं इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी बी। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है मेरा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो आप देखिए अगर ये ट्रायंगल माने हैं तो बेस मेरा क्या होगा, ए डी होगा। ठीक है, हाइट मेरा क्या होगा, बी डी होगा, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, ए डी बी, तो बेस की जगह क्या लिखेंगे, ए डी, हाइट मेरा क्या है, बी डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए हाफ इंटू ये जो मेरा ए से लेके डी, ए डी है, किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल टू ओ सी, दिख रहा है, ए से लेके जो डी है ये मेरा ए है, ए डी इक्वल टू क्या होगा, ओ सी होगा। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे OC। अब BD की जगह क्या लिखेंगे, BD, क्योंकि BD का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, हाफ इंटू OC मेरा क्या होगा, टाइम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T। अब BD मेरा क्या होगा, याद कीजिए पिछला इक्वेशन में हम लोग जो ड्राइव किए थे, BD इक्वल टू मेरा क्या आया था, जरा पेज खोल के देखिएगा, BD इक्वल टू मेरा क्या आया था, AT आया था कि नहीं आया था। तो BD जो क्या लिखेंगे, AT लिखेंगे, इसलिए बोलते हैं नोट डाउन करते रहेगा। नोट डाउन कर लिए तो देखिए BD का वैल्यू क्या आया था, अगर नोट डाउन नहीं किए तो वीडियो को पीछे जाके देखिएगा कि BD का हम लोग वैल्यू AT कैसे निकाले थे। ठीक है, तो BD का वैल्यू क्या गया, 80, तो क्या निकल जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, 80 स्क्वायर, इसको मान लेते हैं 1, इक्वेशन 1, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB कितना आ गया, हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मेरा कितना है OC, ब्रेथ कितना है OA। OC किसके इक्वल है, T के इक्वल है, OA किसके इक्वल है, U के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा मेरा, UT, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको कर लेते हैं इरेज। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, मेरा डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। ठीक है, OADC दोनों का एरिया को ऐड करके जितना भी एरिया है वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल जो भी कुछ भी किया उसको हम लोग मान लेते हैं S। ठीक है, अब ट्रायंगल ऑफ ADB, देखिए ट्रायंगल एरिया ऑफ ADB कितना है, हाफ 80 स्क्वायर, तो हाफ 80 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, तो OADC का वैल्यू कितना है, UT, तो यानी कि UT, तो क्या हो गया मेरा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो देखिए कितना इजी है, आ गया मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इतना इजी है और कुछ भी किया बताइए, तो बस थोड़ा सा बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एरिया थ्रस्ट ज्योमेट्री के बारे में बस पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ बहुत इजी तरीके से बना दिया इसको। ठीक है, बहुत इजी तरीके से ये डिराइव हो गया है, तो बस आपको थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अफवाह में नहीं आना कि ये सब हार्ड होता है, ये सब ईजी होता है, कुछ भी हार्ड कुछ भी ईजी नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप पे, कि आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना ईजी तरीके से ये बना गया है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग डिराइव करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरा, V² इक्वल टू U² प्लस 2AS। तो अब देखिए इसको कैसे डिराइव करेंगे ग्राफ के हेल्प से, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है किसी भी ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो जो भी एरिया मेरा बनता है, एरिया इंक्लोज जितना होगा वो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस मेरा कितना होगा, ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है ओवरऑल देखिएगा, तो जो हम लोग क्या निकाले थे पिछले जो इक्वेशन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन है ये ट्रेपीजियम ही, ट्रेपीजियम को हम लोग तोड़ तोड़ के उसका टोटल एरिया निकाले थे, तब लास्ट में जाके ऐड किए थे, ये थे कि नहीं किए थे। तो यहाँ पे ओवरऑल मेरा क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, तो यानी कि जो ट्रेपीजियम का एरिया होगा, ट्रेपीजियम एरिया वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ट्रेपीजियम मेरा क्या है, OABC। ठीक है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो डिस्टेंस को मान लेते हैं S। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो ये ध्यान ये याद रखिएगा। ठीक है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो अब देखिए पैरेलल साइड मेरा कौन कौन सा है, OA और BC, ये दोनों देख रहे हैं आपस में पैरेलल है, ये जो मेरा ट्रेपीजियम बनता है। ठीक है, ये साइड और ये साइड मेरा पैरेलल है कि नहीं है, तो उसी को सब फिगर को मोड़िएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको 90 डिग्री में कीजिएगा, तो OA और BC मेरा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे, OA प्लस BC, और हाइट मेरा क्या हो जाएगा, ये जो है OC मेरा क्या है, हाइट है, ये मेरा हाइट होता है। ठीक है,
तो OC मेरा 90 डिग्री है, इसके भी 90 डिग्री है, इसके भी 90 डिग्री है, तो OC मेरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई OC बाई 2। क्या था, किसी को दिक्कत? अब देखिए S इक्वल टू OA मेरा किसके इक्वल है, U के इक्वल, BC किसके इक्वल है, V के इक्वल, और OC मेरा क्या है, T है बाई 2। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे उसमें क्या आया था, वी इक्वल टू यू प्लस AT। अब देखिए उसका भी थोड़ा सा हेल्प लेंगे हम लोग, अब कैसे हेल्प लेंगे ध्यान दीजिएगा, क्या आया वी इक्वल टू यू प्लस AT, तो यहाँ से AT इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू, टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी माइनस यू बाई ए, ठीक है, क्या आएगा, वी माइनस यू बाई ए, ठीक है। तो इस टी को हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। अब देखिए एस इक्वल टू ये यू प्लस वी है, इसको हम लोग वी प्लस यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी माइनस यू बाई ए, यानी कि वी माइनस यू बाई ए नीचे उतरे तो क्या आ जाएगा, 2a। वी माइनस यू बाई क्या था, a था, तो a को नीचे उतारे तो क्या आ जाएगा, 2 पहले से है, a अभी आया, तो 2a हो गया मेरा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ये चीज। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा तो क्या है, वी प्लस यू वी माइनस यू, क्या है, वी प्लस यू वी माइनस यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में मेरा ये भी बन रहा है, यू प्लस वी यू वी माइनस सॉरी वी प्लस यू और वी माइनस यू, तो क्या हो जाएगा मेरा, एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। 2a मेरा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। आ गया मेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इतना ईजी देख रहे हैं ना, कितना सिंपल है, कुछ कर रहे हैं, कोई यहाँ पे हार्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ हार्ड सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस बेसिक जो भी थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए उसी के हेल्प से हम लोग ये कर रहे हैं बस। यार ये फॉर्मूला यूज हुआ, ये फॉर्मूला तब लोगों को पता होगा, 7-8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एक और लास्ट टॉपिक बनता है सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो को काफ़ी लंबा ना बन जाए, वो मेरा एक सेपरेट टॉपिक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ग्राफ के हेल्प से एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं। दो तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, दोनों तरीके हम लोग पढ़ चुके हैं, एक अल्जेब्रिक मेथड से और एक मेरा ग्राफ वाला मेथड से। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए होगा, बस आपको जाके खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से डिराइव करना है बिना बुक को देखे, ठीक है। जहाँ पे भी दिक्कत होगा बुक को खोल के देख लीजिए कैसे हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा जो भी कुछ भी पढ़ा है आज के वीडियो में, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।